आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने फ़ोटो को स्मूथ कर सकते हैं। अगर आप नोटिस किए होंगे थंबनेल में, तो थंबनेल में देखे होंगे कि जो बैकग्राउंड था वो टी शर्ट था, उसका कलर चेंज हुआ था, तो उसको आप कैसे कर सकते हैं, मीन्स आप अपने फ़ोटो पे कैसे कर सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आप नोटिस किए होंगे जो कि हेयर था, जो बाल था, बाल पर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट यूज़ हुआ था, तो आपको वो इफेक्ट कहाँ पे मिलेगा, कैसे यूज़ करना है, आपको सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो चलो यार अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। हे गाइज, आई एम KRC एंड यू आर वॉचिंग KRC पिक्चर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्या करना है कि ये जो फोटो है, फोटो को लेके जाना है स्केच बुक में। स्केच बुक में इसको स्मूथ करेंगे, लेकिन उसके पहले इसको लेके जाएंगे अभी स्नैपसीड ऐप में। तो स्नैपसीड ऐप में आ गया है। स्नैपसीड ऐप में आने के बाद ये जो पेंसिल का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से जाना है ट्यून इमेज में। अब यहाँ से ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है, कॉन्ट्रास्ट को कम कर लीजिएगा। बेसिकली इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, इसमें जो भी डार्कनेस या फिर शैडो है उसको रिमूव कर रहे हैं। उसको रिमूव करने के लिए आप ये जो सेटिंग है इसको एक बार देख लीजिए एंड सेम कॉपी एंड पेस्ट कर लीजिएगा अपने फोटो पे, तो आपका जो फोटो है उसमें से डार्कनेस या फिर शैडो जो है वो रिमूव हो जाएगा। इतना सा हो गया। अब क्या करेंगे, एक बार सिलेक्टिव टूल में जाएंगे। सिलेक्टिव टूल में जाने के बाद ये जो फेस पर जो भी एरिया है, डार्केस्ट एरिया है, सपोज ये वाला, इसको चूज कर लेंगे और फिर थोड़ा सा बड़ा करके इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस डालेंगे एंड कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बस माइनस करेंगे एंड सेचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे एंड स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देंगे। इतना सा करने के बाद यहाँ से इसको डन पे क्लिक करेंगे। अब जो है स्नैपसीड का काम हो गया। अब इसको शेयर करेंगे स्केच बुक में। अब स्केच बुक में आने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे ये जो आ रहा ट्राइंगुलर वाला शेप जो है, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको बहुत सारा ब्रश मिल जाएगा। तो इसमें से आपको नीचे आना है, नीचे 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 और नीचे, और यहाँ पर ये जो है स्मज, इसमें ब्रश है वो वाला, आपको चूज़ करना है ये। आप देख लीजिए इधर से तीसरा है और दूसरा रो में तीसरा कॉलम, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ये जो ब्रश है आप इसको याद रखिएगा एंड यहाँ पे ये ब्रश चूज़ करना है और यहाँ से जाना आपको सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद ये जो है फ्लो को आपको रखना है, स्टार्टिंग में रखना है 9-10 रखना है। अगर ऊपर में 9 रख रहे हैं तो नीचे भी 9 रखना है, अगर 10 रख रहे हैं तो नीचे भी 10 रखना है। तो सिंपली अभी 9-9 रख रहे हैं दोनों में, 9 और 9 हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपली फेस पर ब्रश करेंगे, लेकिन ब्रश करने से पहले इसका साइज़ देख लेंगे, ब्रश का साइज़ कितना बड़ा है। तो ब्रश का साइज़ जानने के लिए ये जो आ रहा है इस पर क्लिक करना है एंड फिर ये जो है इसको यहाँ पर टैप करके रखना है और थोड़ा सा बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं इसको। तो सिंपली इसको थोड़ा सा छोटा, इतना बड़ा सही है। अब सिंपली यहाँ से इसको ब्रश करेंगे। ब्रश कीजिएगा, आपको ध्यान रखना जब ब्रश कर रहे हैं तो आपको एक डायरेक्शन में करना है, ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे नहीं करना आपको। तो इसको सिंपली यहाँ से हटा लेते हैं, इसको यहाँ से अंडो कर लेंगे। तो अंडो हो गया। अब इसको सिंपली जो ब्रश करना है आपको वन डायरेक्शन में करना है। सपोज जैसे कि आप ब्रश कर रहे हैं तो आपको इधर से करना है, तो सिंपली इधर से ही करते रहना है। तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी, तो आप देख सकते हैं, तो आपको एक डायरेक्शन में करना सबसे पहले, और स्टार्टिंग में जो करना है आपको 9 या 10 रखना है और आपको ब्रश करना है। तो मैं इसको कर देता हूँ, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ इसको अभी। ये साइज़ बड़ा है तो अभी इसको हाथ पर भी कर लेते हैं, फिर साइज़ छोटा करेंगे, फिर हर जगह और जो ब्रश से फिर करेंगे। एंड यहाँ पे ब्रश का साइज़ बड़ा था तो फिर जितना काम होना था उतना हो गया है। अब साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, तो इतना छोटा कर लेंगे एंड अब जो है जो जो पार्ट बच गया है वहाँ पर भी ब्रश करेंगे। इसका साइज़ फिर से यहाँ पे छोटा करना होगा कान में, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा पार्ट नहीं, यहाँ पे जो इसमें जो करना है ब्रश जो करना है यहाँ पे छोटा सा जगह में करना है, तो इसका साइज़ जो है और छोटा कर लेंगे फिर से। आपको ये जो करना पूरा बारीकी के साथ करना है, मतलब पूरा धीरे धीरे करना है, ऐसे नहीं पूरा फास्ट में कर दिए काम, कहीं पर कुछ गलत हो गया उसको ध्यान नहीं रखना है। आपको ये जो करना है मतलब पूरा स्लो करना है, मतलब धीरे धीरे करना है।
अब आप देख सकते हैं ये ना बहुत ज़्यादा हद तक स्मूथ हो गया है। लेकिन क्या करेंगे, अब जो है इसका फ्लो जो है फ्लो को कम करेंगे, अब या दो तीन रखेंगे फ्लो को, 2 या 3%, और स्ट्रेंथ जो है इसको भी रखना है 2 या 3। अगर ऊपर में 2 रखना है तो नीचे भी 2 रखिए, अगर ऊपर में 3 रखना है तो नीचे भी 3 रखिए। मैं अभी 3-3 रख रहा हूँ, तो आप भी 3-3 रखिए। और इतना करने को इसका जो साइज़ है ब्रश का साइज़ उसको बढ़ा लीजिए, सपोज़ ब्रश का साइज़ इतना बड़ा कर लेंगे। एंड यहाँ से जो है फिर आपको बस ऐसे मतलब रफरी ब्रश करना, रफरी मतलब ऐसे जिस तरह मैंने तीसरा करना है। अब यहाँ पे कोई डायरेक्शन नीचे करना है, जैसे कि यहाँ पे है, तो ऐसे ऐसे मतलब ब्रश करते रहना आपको, तो ऐसे ब्रश कीजिए। एंड जहाँ जहाँ स्मूथ कर चुके हैं मतलब पहली बार ब्रश चला चुके हैं, आप फिर से वहाँ पर एक बार और चलाइए, तो जिस तरह मैं चला रहा हूँ तो आप भी चलाइए। तो गाइज़ ये स्मूथ हो गया है। अब स्मूथ होने के बाद सिंपली इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए ये जो आ रहा है जो है इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो आ रहा है यहाँ पे तीसरा नंबर में, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जो आ रहा है सेव टू डिवाइस, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ वेट, प्लीज़ वेट भाई, वेट कीजिए, और ये जो आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। मेरे को जो बताना था वो बस बताना था कि फेस को स्मूथ कैसे करना है, बट आप जो अभी थंबनेल में देखे होंगे उसमें था कि ये जो है अब पूरा बैकग्राउंड कलर चेंज था, प्लस में हेयर जो था हेयर भी कुछ वहाँ पे कुछ स्मच टाइप का कुछ था, तो वो सब कैसे करना है तो वो भी बताने वाला हूँ। तो सिंपल उसके लिए क्या करना है, तो इसको सिंपली लेके जाएंगे लाइट रूम अप्लीकेशन में। ये रहा अपना फ़ोटो जिसको कि अभी स्मूथ किए थे, इसके पहले मैंने जो कि ये था फ़ोटो जिस पे कि मैंने थंबनेल्स के लिए काम कर रहा था, इसमें ब्राइटनेस ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल एक प्रीसेट यूज़ करेंगे जो कि मैंने कल प्रीसेट दिया था आपको, अब मेरा जो फेवरेट प्रीसेट था। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो ऊपर में आई बटन पे आ रहा होगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसमें जो है ये सब कुछ प्रीसेट्स था, जैसे कि कुछ कुछ प्रीसेट आप देख सकते हैं, इसमें कोई सा प्रीसेट मैं यूज़ कर सकता हूँ। बाय द वे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट मेरा जो थंबनेल में था वो मैंने ये प्रीसेट यूज़ किया था। तो इसको यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे थोड़ा सा और लाइट वाला टूल में और ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि जो कि आप थंबनेल में देखे होंगे उसमें ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा था। एंड कॉन्ट्रास्ट, बाकी यहाँ से कुछ नहीं करने वाले हैं। और एक और चीज़ करेंगे, यहाँ से जाएंगे ये जो टूल है पता नहीं इसका क्या नाम है, इसमें जाएंगे और इसमें जाके गेन को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, और 30 से 25 के बीच रखना है इसको। और फिर इसको यहाँ से हटाते हैं। अब जाएंगे यहाँ से कलर्स वाला टूल में, क्योंकि अपना जो फेस कलर है और थोड़ा सा टी शर्ट का कलर है उसको थोड़ा सा चेंज करना है। तो ये है टी शर्ट का कलर, इसको थोड़ा सा ये ठीक है टी शर्ट का कलर, और बाकी ल्यूमेंस को थोड़ा सा डाउन ही रखेंगे। एंड फेस कलर पे जाएंगे, अब इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत कम है, इतना सा सही है। अब क्या करेंगे, जो लास्ट वाला है लास्ट वाला कलर पे जाएंगे, और सिंस ये है असली टी शर्ट का कलर तो इसको इंक्रीज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं, ओ माय गॉड व्हाट इज़ दिस टी शर्ट कलर, अब इतना सा हो गया है। तो इसको सिंपली यहाँ से डन पे क्लिक करेंगे। इतना सा होने के बाद सिंपली इसको शेयर पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से फिर से सेव टू डिवाइस, और इसको सेव कर लेंगे। तो सेव हो रहा है, पता नहीं कितना टाइम लेगा, 2-3 साल तो ले ही लेगा आई थिंक। हाँ हो गया, 1 फोटो एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली, ओके थैंक यू सेव करने के लिए। तो इसको शेयर करेंगे अब टूल विज एप्लीकेशन में। तो अब क्या करेंगे, ये फोटो आ गया यहाँ पर टूल विज में, तो यहाँ से जाना है इफेक्ट में, ये रहा इफेक्ट। और यहाँ पर जाने के बाद ये जो आ रहा है सॉफ्ट स्मज, इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको सबसे लास्ट में जाना है, और यहाँ पे इन दोनों में से आप कोई सा चूज़ कर लेना, मतलब सेलेक्ट करना है। 8 चूज़ कर रहे हैं, तो 8 चूज़ करने के बाद देख सकते हैं आपका जो हेयर है कितना मस्त हो गया है, लेकिन हेयर के साथ आपका मुंह कान सब कुछ वैसा वैसा हो गया। तो अभी क्या करेंगे, अभी 8 चूज़ करके रखेंगे, और फिर जाएंगे यहाँ से मास्क पर। मास्क पर जाने के बाद ये जो है क्लीन, क्लीन पर क्लिक करेंगे और पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा। और क्लीन पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर ऑटोमेटिकली अप्लाई पर आ जाएगा। अब यहाँ से अप्लाई करना है, तो जहाँ जहाँ पर उस इफेक्ट को चाहिए आपको, तो वहाँ पे सिंपली आपको ब्रश करना है। सपोज़ मुझे हेयर पे चाहिए तो मैं हेयर पे कर रहा हूँ, तो बस सिंपल आप देखते जाइए ये कितना मस्त इफेक्ट डाल रहा है, ओ माय गॉड। एंड इतना सा होने के बाद आप देख सकते हैं हेयर तो बहुत मस्त हो गया। हेयर इतना मस्त होने के बाद इसको सिंपली यहाँ पर डन पे क्लिक करेंगे। एंड डन होने के बाद फिर से जाएंगे इफेक्ट वाला टूल में,
अब इस बार जो है थोड़ा सा ये जो क्या बोलते हैं आईब्रो, आईब्रो को थोड़ा सा आईब्रो पे थोड़ा सा वैसा इफेक्ट डालना है। तो सॉफ्ट स्मज अब इस बार क्या करेंगे, मतलब तीसरा ऑप्शन चूज़ करेंगे, और फिर क्योंकि यहाँ पे आईब्रो पे उतना इफेक्ट नहीं डालना है तो सिंपल मास्क पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लीन, और यहाँ से थोड़ा सा बस इसको ऐसे अप्लाई कर देंगे और थोड़ा सा इधर भी, एंड बस हो गया। सिंपली यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं, मतलब बिफोर आफ्टर तो इसमें दिखा नहीं सकते हैं। सेव करना है तो सेव करने के लिए ये जो आ रहा है तो इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम लेगा और ये सेव कर देगा इस फोटो को। यहाँ पे आ भी रहा था फोटो हैज बीन सेव्ड टू योर गैलरी, पता नहीं क्या था, तो ये सेव हो गया है। तो ये रहा फोटो, ये फोटो सेव हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट है।